देख रहे हैं आपका अपना टेलीपीप्स टीवी चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। बात करने जा रहे हैं जी टीवी के दी मोस्ट पॉपुलर शो प्यार का पहला नाम राधा मोहन की। गाइस, राधा मोहन की कहानी में मीरा और राधा के बीच भी एक नई जंग की शुरुआत होने वाली है। अब मीरा छुप छुप कर नहीं सामने से वार करना चाहती है, वो मोहन को राधा के खिलाफ भड़का चुकी है। लेकिन हो ना हो, युग के साथ अभी भी राधा का कनेक्शन है। राधा और युग एक दूसरे के साथ बहुत टाइम से थे और इन दोनों का रिश्ता 7 साल का है। इन दोनों के रिश्ते में बहुत सारा प्यार है, विश्वास है। भले ही युग ने राधा के साथ कुछ भी गलत किया हो, मगर दिल में तो राधा के है ना युग। मतलब यहाँ पर पूरे तरीके से मोहन को राधा के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है और कहती है कि राधा को अग्नि परीक्षा देनी होगी। वेल, मोहन को इतना भड़का दिया जाता है कि मोहन राधा से अग्नि परीक्षा मांग लेता है। और फिर क्या, देखिए कहानी लेती है चमत्कार और यहाँ पर राधा मोहन का रिश्ता बिगड़ने लगता है। और इस बात का फायदा उठाती है मीरा और बना लेती है मोहन से नजदीकी और उससे करती है अपने प्यार का इजहार और कहती है कि वो उससे शादी करना चाहती है, जहाँ मोहन इससे इनकार कर देता है। लेकिन अब मीरा जो है खुल के राधा से लड़ी, क्योंकि राधा को ये बात पता चल चुकी है कि जो मोहन और राधा के बीच में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रहा है वो शख्स कोई और नहीं, मीरा है। और मीरा के असली राधा से वाकिफ होने के बाद राधा पहुंचती है मीरा से बात करने और उसे धमकी देने। लेकिन बदले में तो यहाँ मीरा ही दे देती है राधा को धमकी कि वो उसके और मोहन के बीच से चली जाए। मोहन उसका है और उसका ही रहेगा, वो राधा को कभी भी अपने मोहन के पास नहीं आने देगी, इसलिए अच्छा होगा कि वो अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाए। वेल, राधा जब ये सारी बातें सुनती ना तो उसके होश उड़ जाते हैं और वो मीरा से कहती है कि मीरा तुम जो बोल रही हो वो सुन भी रही हो कि तुम क्या बोल रही हो? मोहन सिर्फ राधा की है और सिर्फ राधा के ही रहेंगे और हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है। हम लोग 7 साल अलग रहकर भी एक थे और आगे भी एक ही रहेंगे। हमने तुम जैसी लड़कियों को देखा है जो दूसरों का घर उजाड़ने में माहिर होती हैं। अब यहाँ पर राधा और मीरा के बीच बहुत सारी दलीलें होती हैं, बातें होती हैं, टशनबाजियाँ होती हैं और हो जाती है लड़ाई। और फिर चैलेंज होता है कि मोहन मीरा और मीरा ही रहेगा। मोहन को लेकर जो लड़ाई है राधा मोहन की वो छिड़ गई है। अब देखना है दिलचस्प होगा कि मोहन आखिर में होगा किसका। वैसे तो आप और हम अच्छे से जानते हैं कि मोहन होगा तो राधा का ही, लेकिन मीरा किस हद तक जाएगी मोहन को पाने के लिए ये देखने में बड़ा मजा आएगा।